Do you want to create like this? Don't worry, it's very easy. Hey, this is Kashif Fayaz from OnDesign. Today I'm going to show you how to create a holographic effect in Adobe Photoshop and give you some tips and tricks. So without any further ado, let's get started. वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज के डुप्लीकेट लेने के बाद कलर लुकअप टेबल अप्लाई करें एंड उसमें से आप मून लाइट लेट अप्लाई करना है इस पर। एंड मून लाइट के अलावा आप डे टू नाइट भी अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पे हम मून लाइट का यूज़ करेंगे क्योंकि काफ़ी डिसेंट एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है इस इमेज पे। सो उसके बाद जस्ट आप इंटरफेस कोई भी आप ले सकते हैं, उसको गूगल से आप डाउनलोड करके जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करें। एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसको सेट करने के लिए ओपेसिटी डाउन कर दें एंड कंट्रोल टी प्रेस करके इसको रिसाइज कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल साइज़ आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। एंड बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी इमेज पे अच्छा लग रहा हो, ये ना हो कि बहुत बड़ा आप रख दें। उसके बाद राइट क्लिक करके पर्सपेक्टिव इसका सेट कर दें कुछ इस तरीके के साथ एंड स्केल अप स्केल डाउन जैसे आप करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। एंड उसके बाद जस्ट आपने इंटर प्रेस करके जो हमारी लेयर है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट लेयर को सिलेक्ट करना है एंड कुछ इस तरीके के साथ सिलेक्शन बनानी है। सिलेक्शन बनाने के बाद सिलेक्ट इनवर्स कर देना है एंड इनवर्स करने के बाद जस्ट आपने अपने इंटरफेस वाली लेयर पे आके मास्क अप्लाई कर देना है एंड कुछ इस तरह से आपका जो इंटरफेस है वो टैबलेट के पीछे चला जाएगा एंड काफ़ी अमेजिंग लुक प्रोवाइड होगी। एंड नाउ अब आप ओपेसिटी फुल कर सकते हो एंड इसका ब्लेंडिंग मोड आप स्क्रीन रख दीजिएगा। ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन रखने के बाद जस्ट इसकी डुप्लीकेट लेनी है, लेयर की कंट्रोल जे प्रेस करें एंड नाउ अब फिल्टर्स में जाएं एंड ब्लर अप्लाई करें। गॉजियन ब्लर अप्लाई करना है ऑलमोस्ट अप टू 100% तक आप इसको ले जाएं, 100 पॉइंट्स तक। एंड 100 पे इसको सेट करके ओके करके जस्ट इसका ब्लेंडिंग मोड अब हमने लाइटन रख देना है। लाइटन ब्लेंडिंग मोड रखने के बाद आपको वाजिब फ़र्क नज़र आएगा कि हमने क्या अभी तक बना लिया है। उसके बाद जस्ट आपने कोई भी लोगो ले लेना है, कोई भी आइकन ले लेना है, उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें एंड सेम जो हमने अप्लाई किए हैं प्रोसेस अपने इंटरफेस वाली लेयर पे सेम इस पे अप्लाई करने हैं। बट देन आफ्टर दैट ब्रश टूल लें एंड कलर लुकअप टेबल के मास्क पे ब्लैक कलर के साथ कुछ इस तरह से पेंट करें जहाँ जहाँ आपको ग्लो चाहिए, लाइक जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे ग्लो होना चाहिए। सो ये उस लिहाज से आप लोगों ने इस ब्रश को अप्लाई करना है। आफ्टर दैट आप कलर बैलेंस लेयर को लेके अपनी जो टोन है इमेज की वो भी चेंज कर सकते हो काफ़ी हद तक। एंड कर्व से अगर आप थोड़ा सा इसको डार्क करना चाहो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। एंड वही मेथड, जस्ट ब्रश टूल लें जहाँ जहाँ ग्लो आपको चाहिए वहाँ वहाँ पे आप अप्लाई करें। आफ्टर दैट कुछ इस तरह से क्रिस्टल्स अप्लाई कर लें, ये भी आपको गूगल से मिल जाते हैं एंड काफ़ी अच्छे लगेंगे इस इमेज पे। एंड सेम प्रोसेस आप मास्किंग के थ्रू जो आप चीज़ हाइड करना चाह रहे हो उसको हाइड कर दें एंड ओपेसिटी भी अप एंड डाउन करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपनी मर्जी के साथ। ओके देन नाउ अब इसको फाइनल टच देने के लिए तमाम लेयर्स को मर्ज कर दें। मर्ज करने के बाद जस्ट इस पर कैमरा रो फिल्टर अप्लाई करना है। कैमरा रो फिल्टर अप्लाई करते हैं एंड फाइनल लुक देखते हैं। सो हेयर इज अवर फाइनल लुक। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड क्विक ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बी क्रिएटिव।